हाँ जी 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा, ये औकात रहेगी हमारी। गजब बेइज्जती है। अभी पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। हरे राम हरे राम। पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। आप लोग रोना बंद कीजिए। सो सैड, प्रैंक हो गया पाकिस्तानियों। जिस तरह तुम लोग के साथ तुम लोग की कमेंट कर रही है यही तुम लोग के साथ होना चाहिए। और नहीं तो क्या। सही पकड़े हैं। हर साल पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर बुर्ज खलीफा में पाकिस्तान का परचम लहराया जाता था। गैस इस दफा पाकिस्तान के परचम को लहराया नहीं गया। गैस पाकिस्तान के शायकीन जो पाकिस्तानी अवाम थी वो बुर्ज खलीफा के आगे खड़े होकर रात को 12 बजे इंतजार करने लगी कि अभी खलीफा में पाकिस्तान का परचम आएगा 12 बजे। लेकिन 12:01 तक भी पाकिस्तानी पब्लिक इंतजार करती रही लेकिन बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया गया। कहना चाहेंगे अगर हम बात करें 76 सालों में कौन ज्यादा आगे निकला, हम ज्यादा आगे निकले हैं ग्रोथ के लिहाज से या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया। पड़ोसी मुल्क हमारा इसलिए आगे चला गया है क्योंकि उसने हमसे फायदा उठाना शुरू किया है। क्या बात कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं जो वहाँ जाके हर चीज का बताते हैं। हर चीज का जो क्या बताते हैं। कोई भी रिपोर्ट होती है। अब आप जो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो चंद्रयान पर चला गया चांद पर भी चला गया वो पाकिस्तानियों ने लीक कर दिया, यहाँ से सारी गुफिया बातें बताई। यही चीज होती है। क्या बात है। पाकिस्तान में आपको पता है पैसा तो सारा काम करा लो, मुसलमान जब एक बार ही अपना मुसलमान बन जाए ना पक्का तो कोई भी नहीं मारा कुछ कर सकता। अच्छा चांद पर भी चले गए वो इस वजह से चले गए कि पाकिस्तान ने कुछ सीक्रेट लीक कर दिया अपने चांद पर जाने वाला। यही वजह है ना कि वो हर चीज अपनी लीक कर देते हैं। वो दूसरे बता देते हैं लोगों को कि ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, अगले इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। सारे सिगरेट जो हमारे पास थे वो चंद्रयान के मिशन के सारे इंडिया ने ले लिए। वो वैसे ही हुआ। यही चीज हुई है। आईटी में वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, वो उन्होंने पाकिस्तान के सारे सिगरेट ले लिए। यही चीज हो रही है। पाकिस्तान के सिगरेट कहाँ नहीं जा रहे। जो दुनिया के पांचवी बड़ी मैशत है पाकिस्तान के सिगरेट ले लिए उन्होंने। वैसे ही हुआ है, उन्होंने सारे सिगरेट पाकिस्तान ने खुद दिए हैं। बल्कि जो अवाम जो पाकिस्तानी है सारे दे दू के चले जाते। हमारे पास इतने बड़े सिगरेट होते तो क्या हम पांचवी बड़ी मैशत ना होते। होते क्यों ना होते हम। लेकिन हमारे सिगरेट आपने कहा कि लीक हो गए। लीक हुए हैं ना, लीक हुए हैं तो ये हुकूमत का हाल हो गया। ना होते तो हमारी हुकूमत सही होती, सब कुछ सही होता, हुक्मरान सही होते, इतनी महंगाई ना चलती हमारी यहाँ पे। अब तो सच बोल दे। इंडिया ने इंडिया को फ्री वीजा जो है ऑफर किया है, वीजा फ्री फॉर टूरिज्म। अब इंडियन लोग ग्रुप्स में जो जाकर रशिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी वीजा के। रशिया ने इंडियंस को फ्री टूरिज्म वीज़ा जो है ऑफर किया है। इसका मतलब तो ये भी है ना कि रशियन को लगता है कि इंडियन पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और अगर वो आके हमारी कंट्री में स्पेंड करेंगे तो जो वॉर की वजह से उनकी इकोनॉमी गिर रही है उसको कहीं ना कहीं पे बूस्ट भी मिलेगा। देखिए पहली बात यह है कि अगर रशिया को ये लगता है इंडिया के आवाम को बड़ा पैसा है तो ये उसकी बड़ी बहुत बड़ी खुशफहमी है। और खुशफहमी है। देखें पाकिस्तानी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी अवाम के पास पैसा बहुत है। अच्छा ठीक है। देखें ऑफर्स किसको दी जाती हैं। ऑफर्स दी जाती हैं जहाँ पे उनको लगता है कि यार इनके तो अवाम बहुत है, मर रही है, मतलब भूखी मर रही है, मामला ऐसे हुए पड़े हैं उनके भाई से कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो वो इस वजह से उनको एक ऑफर दी है ताकि ये लोग इधर आए, मेहनत मजदूरियाँ करें, मामला करें ताकि हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो जाए और ये भी सेटल कर दें चीज़ों को, मतलब कुछ भी। तो नहीं नहीं, रशिया ने क्या किया है, उन्होंने अब मैं कहीं पे टूर करने जा रही हूँ, लेट्स सपोज कश्मीर जा रही हूँ, तो मैं भी कोई 30-40 हज़ार साथ लेके जाऊंगी स्पेंड करने के लिए। जो लोग घूमने फिरने जाते हैं, जो सियाह होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो तो किसी कंट्री में पैसा लगाएंगे ना, कमाने तो नहीं जाते ना। और जैसे आपने कहा इंडियंस, देखिए इंडियंस बहुत, अभी उनकी इकोनॉमी आप देख लें कितनी है, 5th पे है, फिर उनका पैसा देख लें, हमारे 3.5 रुपये, उनका 1 रुपया, वो तो हर एतबार से पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर है। वो इंडिया वहाँ जाके पैसे लगाएगा, कुछ करेगा, वो देखें अपना इंडियन जो है ना हिंदू बड़ा तेज है। अच्छा अच्छा हाँ बहुत तेज है ये कमाने के चक्करों में हर चीज मतलब देख लेते हैं। इनके लिए देखें
इनके पाबंदी नहीं है किसी दीन की मजहब की कोई पासदारी नहीं है, तो ये अपने पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। कोई सेंस है इस बात की? अभी रिसेंटली मतलब देखे ना, वो सनी देओल ने भी एक बकवास की थी मतलब अपनी मूवीज के अंदर, उसको बैन किया पाकिस्तान के अंदर। देखिए पाकिस्तान अगर इतना खुदगर्ज ना बने और गैरतमंद नहीं है तो फिर वो उसकी मूवीज क्यों बैन फरमाए? ये पाकिस्तानी सस्ता जाहिल है। उसने जब कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर खोल दिया जाए इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए आधे से ज्यादा पाकिस्तानी इंडिया के मुल्क खाली हो गए। भाईजान देखें बात ये कि एक चीज छोटी सी है, पाकिस्तानी क्यों जाएंगे वहाँ पे? जाहिल को सनी देओल के डायलॉग से मिर्ची लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारी परवरिश हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, तो इस ऐसा नहीं है। देखिए हालात ऊपर नीचे होते हैं, हर घरों के हालात भी ऊपर नीचे होते हैं, मुल्क की हालात भी ऊपर नीचे होते हैं, तो आज थोड़ी सी इकॉनमी बेहतर होगी इसका मतलब पाकिस्तान डाउन हो गया? नहीं, अब देखिए जो आपने देखिए बड़ी पैट्रियोटिक बातें की कि हमारा पाकिस्तान भी बेहतर हो जाएगा, इंडिया आपने कहा कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। देखिए वो अपने मुल्क को बढ़ा रही है, स्मार्ट है तो अच्छी बात है ना, उनके पास जेन है, उनके पास अच्छी तालीम है, हर जगह पे सऊदी में बिजनेस कर रहे हैं, अमेरिका के साथ बिजनेस कर रहे हैं, कैनेडा के साथ बिजनेस कर रहे हैं, अपनी कंट्री से चाइनीज फैक्ट्रीज को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, मेड इन इंडिया पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये तो उनका टैलेंट है, वो कैश कर रहे हैं, इस पर बुरा क्या है? देखिए बुराई मैंने ये नहीं की कि उनकी बुराई है कोई, चल झूठा, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हमारे इस टाइम मुल्की हालात जो खास तौर पे हुकूमती सतह के ऊपर हैं वो थोड़ा से स्टेबल नहीं है अभी। जिस तरह इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे तो आपको नजर आएगा मेड इन पाकिस्तान, आपको पता है यहाँ से कितनी एक्सपोर्ट होती है? क्या अभी तो हो ही नहीं रही, मिलियंस में है, बिलियंस में तो कोई चीज़ कोई बात नहीं। देखें अभी थोड़े से हालात मैंने बताया आपको डाउन है पाकिस्तान के, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में पाकिस्तान बहुत ऊपर निकल जाएगा, इनकी सोचों से ऊपर निकल जाएगा। सही बोल रहा है मेरा भाई, पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाएगा, इतना आगे निकल जाएगा, इतना आगे निकल जाएगा। हिंदुस्तानी तो इनके मजे लेते लेते थे, अब तो विदेशों में भी इनके मजे लेने लग गए, पाकिस्तान का मजाक बनाने लग गए। In Pakistan, we have different courses like MBBS, MBBS, we have CAT, C-A-T, and we have G-J-E-E. MBBS stands for Masters in Bomb Blasting and Strategies. CAT stands for Career in Al-Qaeda and Taliban. And G stands for Jihadi Entrance Exam. Hey! गजब बेइज्जती है। मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी पाकिस्तानी को बुरी तरीके से पहल के जाएंगे, क्योंकि आपका भी खून खोल गया होगा जहालत सुन सुन के। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।